हेलो एंड वेलकम टू ए ट्यूशन एजुकेशन फॉर बेटर टुमारो। पिलामु प्रकाश दे यार मैथ टीचर पिला आज आम कौन आलोचना करवा आम पूर्वर त्रिकोणमितिर फोर बी एक्सरसाइज फोर बी क्लास टेन्थ त्रिकोणमिति एक्सरसाइज फोर बी प्रथम पार्ट जो फर्मुला था तार डेरिवेशन विषय देखते से फर्मुला रिलेटेड किसी एग्जाम्पल भी सल्व करते ठीक अच्छे ना। आज आउ किछि नुआ फॉर्मूला देखिबा आउ ता सहित तो किछि एग्जांपल भी सॉल्व करिबा आउ एक्सरसाइज क्वेश्चन को मध्य सॉल्व करिबा ठीक अछि। एक्सरसाइज क्वेश्चन ले लिटिल बिट डिफिकल्ट नहि है तो मन को किछि किछि हिंट्स देबा पय पड़िबो किछि किछि एमिते कि बहुत जगह अछि जोंडी तुमको हिंट्स देबा पय पड़िबो ठीक अछि ना। ओके मे बी तुम मैंने रिकग्नाइज कर नहीं पारो सेमती नहीं कि सारे विदाउट हिंट्स आम सल्व कर पार्बुन यू कैन तुम पारिबो एमती किसी असुविधा ना बट से विषय किसी आज आम आलोचना करने किसी नुआ फर्मुलार डेरिवेशन देखने तो पिला आरंभ करने पूर्व गोटे सेकेंड खाली कही देखे जे तुमने भल भाव जाच जे ई ट्यूशन हो गए डिजिटल लर्निंग प्लाटफर्म जो तुमने तुमको प्रत्येक सब्जेक्टर वीडियो लेक्चर पाई क्लास फोर टू नहीं क्लास टेन्थ पर्यंत ठीक अच्छे ना। जदि तुमको कई सांगसाथी सान भाई भौणी तुम सीनियर कई भाई भौणी अच्छा तुम्हें रेफर करमी गोटे प्लाटफर्म अच्छे जोठ तुम्हें तुम वीडियो लेक्चर पाई पाच ठीक अच्छे ना। आज जब तुमको ये वीडियो गुड़िक भल लगुव इट्स ए काइंड रिक्वेस्ट टू यू पीपुल्स कि आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने ठीक अच्छे पे तेज आउ टाइम वेस्ट नक सीधा आम टॉपिक ऊपर को जीवा ठीक अच्छे देखा कौन अच्छे। प्रथम कथ हूँ अच्छा हाँ प्रथम फर्मूला हूँ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वाल टू टू साइन ए इंटू कॉस बी दैट मीन एक्चुअली यहाँ गोटे फर्मूला ठीक अच्छे एक्चुअली यहाँ गोटे फर्मूला तुमको या मन रखा पड़ो बट केमी से टू साइन ए इंटु कस बी है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी केमी टू साइन ए इंटु कस बी है ता विषय में आलोचना करी ठीक अच्छे बुझीगला मो कथा। ओके आम आगर पढ़ी कौन ना साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी पढ़ी जदि मन ना मुझे मन पकईदे ये भी मुझे लिखीदेवी फर्मूला आउ थे ठीक अच्छे जब भूल जाइए मन ना वीडियो को देखिन तक कह कथा हूँ मुझे आउ थे तुमको भी मन पकईदेवी ठीक अच्छे आउ थे भी तुमको मन पकईदेवी कहार उद्देश्य हूँ जे ए प्लस बी साइन ए प्लस बी फर्मूला हूँ साइन ए इंटू कस बी प्लस कस ए इंटू साइन बी से फर्मूला गुड़ाक मैं लिखीदेवि तो फिर मुझे भाई बर्तमान न कही जो सल्व कर जो फर्मूला गुड़ाक जो प्रूव करुवि से ही समय तुमको ए फर्मूला गुड़िकर जो प्रीवियस फर्मूला गुड़ाकदेवी से लिखीदेवि ठीक अच्छे चलो। तो पिला आरंभ करवा प्रथम तो प्रथम आम कौन करवा ना एल एच एस पार्ट को पिक कल ठीक अच्छे ना। अच्छा टे ढलीगला हाँ चलो देखिया एल एच एस को मुझे एल एच एस आम कौन अच्छी देखीद ना साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी करेक्ट। अच्छा देखिया एति अच्छे मोर बर्तमान आम साइन ए प्लस बी फर्मूला पकड़ मुझे कथा कहूँ से फर्मूला डिस्कस कर अधिक टाइम वेस्ट नक सीधा ये फर्मूला कहते अच्छा पे साइन ए प्लस बी फर्मूला तो मैंने भल भाव जानी थोड़े बोध नहीं तो लिखिद साइन ए इंटु कस बी ना ये इंटु डॉट दे दीजिए गुणन ठीक अच्छे गुणन कस बी प्लस कस ए इंटु ये गुणन चिन्ह साइन बी फास्ट पार्टर फर्मूला यहाँ ये जो पार्टा ना या फर्मूला यहाँ गला ठीक अच्छे प्लस सिंबल प्लस थिला से प्लस सिंबल को मुझे पुणी साइन ए माइनस बी फर्मूला लिखा कौन लिखा ना साइन ए इंटु कस बी माइनस कस ए इंटु साइन बी ठीक अच्छे बुझे ये फर्मूला टी फर्मूला तो लिखी सारी बर्तमान ये जो लाइन टा लिखा है ये एक्सप्रेसनटा अच्छी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेसनटा ताको भलसे चेक कर पहले जानते हो एक्सप्रेशन और इक्वेशन भितर फरक कौन तुम बीजगणित पार्ट पढ़ी सारी बोधे हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलीनोमियल वगैरह से जितने पढ़ु से तुम जानते एक्सप्रेशन कौन आइडेंटिटी कौन इक्वेशन कौन इनइक्वालिटी कौन कहते इनइक्वेशन जोटा कौच ताको कौन तुम भल भाव बोध जा सारी थो ठीक अच्छे ना परवर्त पर्यायर के विषय में डिस्कसन करदेवी ठीक अच्छे ना। कैसे चारिटा जिनस कौन शुद्ध गोटे हूँ एक्सप्रेशन गोटे हूँ इक्वेशन थर्ड वन हूँ तुम हूँ आइडेंटिटी फोर्थ वन हूँ तुम इनइक्वेशन बा कौन कहते इनइक्वालिटीज
ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟିଜ୍ କୁ ତମେ କ୍ଲାସ୍ ଇଲେଭେନ୍ଥରେ ବି ପଢ଼ିବ, ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟର କେବଳ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟିଜ୍, କ୍ଲୋଜ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଓପନ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ର ମିନିଂ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତେ କନ୍ଫ୍ୟୁଜିଂ ହେବା ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଟପିକ୍ ଉପରକୁ ଆସିଯିବା, ସାଇନ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ କସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ ବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ବିର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଲେଖିଲି, ସାଇନ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ ବି ମାଇନସ୍ କସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ ବି, ପିଲା ଫର୍ମୁଲା ଯେମିତି ମନେ ପୁରା ଭଲସେ ରହିଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ଏଇ ଏଇଠି ଆମେ କ୍ୟାନସଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେବା, ଏଇଠି ଦେଖ ମାଇନସ୍ କସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ ବି ଅଛି, ଏଇଠି ପ୍ଲସ୍ କସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ ବି ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ, ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଜିରୋ, ତାପରେ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଲା। ତ ଫାଇନାଲି ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା କ'ଣ ପିଲା, ନା ସାଇନ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ପ୍ଲସ୍ ଏଠୁ ଆସିଲା ସାଇନ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ ବି, ଦୁଇ ଥର ଅଛି ତ ଲେଖି ୟାକୁ ଫାଇନାଲି ଲେଖି ହେବ ଟୁ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍, ମାନେ ଦୁଇ ଗୁଣା, ଦୁଇ ଗୁଣ ନ ସାଇନ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ ବି ଲେଖି ହେବ ଟି। ତ ଫାଇନାଲ୍ ଫର୍ମୁଲା ମିଳିଲା। ଜେନେରାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେତେବେଳେ ସଲ୍ଭ କରିବେ ନା ପିଲା, ସେଠି ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ମାନେ ୱାନ୍ ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ନାହିଁ, ସେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ବିଶେଷ କରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତଥା ଆମେ ଫାଇନାଲି କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ନା ସାଇନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ସାଇନ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ ବି, କ୍ଲିୟର୍। ଚଲ ନେକ୍ସଟ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଯିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ କ୍ଲିୟର୍। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ସେ କହୁଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ସାଇନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ କସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ ବି, ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେବା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ କଥା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଆଚ୍ଛା ସେଠି ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ, ଏଠି ଆସିଛି ମାଇନସ୍ ଆସିଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖ ପୁଣି ସେ ସେମ୍ ସିନାରିଓ, ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏସ୍ ନେଇଗଲି, ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍କୁ ମୁଁ ନେଇଗଲି, ବା ବାମ ପକ୍ଷ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛ ଲେଖିଲେ ଲେଖିପାର ତୁମେ ବାମ ପକ୍ଷ, ଯଦି ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏସ୍ ଲେଖୁଛ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ତୁମେ ଯେମିତି ଲେଖୁଛ ଲେଖ, ଓକେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ନେଇନିଅ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ, ନା ସାଇନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ବି, ଏହାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିକୁ। ସାଇନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିର ଫର୍ମୁଲା ତୁମେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିସାରିଥିବ ବୋଧହୁଏ, ଲେଖିଦେବା ସାଇନ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ କସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ ବି, ମାଇନସ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଅଛି, ମାଇନସ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଦେଇଦିଅ ପିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ଲେଖିବ ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଇ ଲେଖ, କାହିଁକି ନା ଏହା ଭିତରେ ମାଇନସ୍ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଇ ଲେଖ, ବେଟର୍ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହାକୁ ଲେଖିଦେଇ ହେବ ସାଇନ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ବିକୁ ଲେଖିବା, ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ସାଇନ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ବିର ପାର୍ଟ ରହିବ। ଏଇ ମାଇନସ୍ ସିମ୍ବଲ୍ଟା ଏଇଠି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି ବୋଲେ, ୟୁଜ୍ କରିଲେ ଏଇଠି ଆସିଛି, ଆଉ ଇଏଟା ତ ହେଉଛି ଏହାର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ, ଦେଖିବା ତାପରେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖିବା, କ'ଣ ହେବ ଫର୍ମୁଲା, ସାଇନ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ ବି ମାଇନସ୍ କସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ ବି, କ୍ଲିୟର। ଆଚ୍ଛା ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟକୁ ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଲେଖିଦେବା, ସାଇନ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ କସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ ବି ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ ବି, ମାଇନସ୍ରେ ମାଇନସ୍କୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ହେବ ପ୍ଲସ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଇଥିଲି ନହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ କୁଆଡ଼େ, ଠିକ୍ ଅଛି, କସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ ବି, ଯଦି ମନେ ରଖି ଲେଖିପାରୁଛ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ଦେଖିଦିଅ ସାଇନ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ସାଇନ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ ବି, ଏଠି ମାଇନସ୍ ପାର୍ଟଟା ଥିଲା, ଏଠି ପଜିଟିଭ୍ ପାର୍ଟଟା ଅଛି, ତ କ୍ୟାନସଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା ଦୁଇଟା। ତ ରହିଲା ରିମେନ୍ସ କ'ଣ ମୋ ପାଖରେ, ନା କସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ ବି ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ କସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ ବି। ତ ଏହାର ଫର୍ମୁଲା ମୋ ପାଖରେ କେତେ ଆସିବ, ନା ଟୁ ଟାଇମ୍ସ ହେବ, ଏଇଟା ଦୁଇ ଥର ଅଛି, ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଲେଖିବା ଯାହା ଟୁ ଏ ଲେଖିବା ଏକ କଥା, ତ ସେଥିପାଇଁ କସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ କସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ କସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ ବି ଲେଖିବା ଯାହା ଟୁ ଟାଇମ୍ସ ହେବ କସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ ବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ତୁମେ ତ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିବ, ସେ କଥା କହୁନି, ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କେତେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ଖାଲି ଦେଖ, ସେ ଦେଇଛି ସାଇନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ବି, ଏଠି ଯାହା ଅଛି ଏଠି ସେମ୍ ଅଛି, ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ଏ ଜାଗାରେ ମାଇନସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଅଛି କ'ଣ ମାଇନସ୍ ସିମ୍ବଲ୍। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କର ନା, ସାଇନ୍ର ହଉ ବା କସ୍ର, କସ୍ର ଆସିଲେ ଦେଖିବା କସ୍ କଥା କହିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏହାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ନା ସାଇନ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ କସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ ବି, ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖ ଏହାର ଦୁଇ ଗୁଣ, ଟୁ ଟାଇମ୍ସ ଆଉ କସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ ବି। ଏ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏଇଠି ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ତା'ର ଦୁଇ ଗୁଣ ହେଇଥିବ, ଦେଖ
फास्ट वाटर देखो ये ए प्लस बी थी ये माइनस बी थी ये प्लस सिंबल थी से फास्ट वाटर दुई टाइम टू टाइम्स दुई गुण है कह फास्ट वाटर सेकेंड टाइम देख मुझे कहीं कहूँ जान जो फर्मूला मन रही केवल से मुझे आउ किसी सेमती स्पेसिफिक कज ना कस ए इंटू सैन बी ये माइनस सिंबल थी ठीक अच्छे देखिद ये प्लस सिंबल थी ठीक अच्छे ये कौन अच्छी माइनस सिंबल अच्छे ये जगह देखिए माइनस सिंबल अच्छे से ये सेकंड पार्ट को क्यारी कर फास्ट केस फास्ट पार्ट को क्यारी करता तो लिखी देव आराम से ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट नेक्स्ट फर्मूला को जीवा नेक्स्ट फर्मूला कौन अच्छी ना कस ए प्लस बी मुझे एवं तुम निजे भी सल्व कर बोधे नाई अच्छा देखीद तथा मुझे लिखिदे ठीक अच्छे तो कम्प्लीट होमर पार्ट टी देख एल एच एस मो सांगे जदि जो भिड देखु सांगे लेख ठीक अच्छे ना कस ए प्लस बी एल एच एस इक्वल कस ए प्लस बी प्लस कस ए माइनस बी फास्ट पार्ट को आगे लिखिदेली ठीक अच्छे क्लीयर नेक्स्ट हुई इज इक्वाल टू कस ए प्लस बी फर्मुला यूज करवा कौन कह कस ए इंटू कस बी माइनस प्लस थी माइनस हो साइन ए इंटू साइन बी तापर प्लस सिंबल अच्छे पे प्लस सिंबल दे देली ए माइनस बी फर्मूला लिखी कस ए माइनस बी फर्मूला कौन हम ना कस ए इंटू कस बी माइनस ना प्लस प्लस साइन ए इंटू साइन बी करेक्ट तो साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू साइन बी मान माइनस साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी कैनसल होगा रहा कौन मो पाखे हुई इज इक्वाल टू कस ए इंटू कस बी प्लस कस ए इंटू कस बी करेक्ट तो दी थर जो करवा जहाँ लिखीद टू टाइम्स ऑफ कस ए इंटू कस बी लिखी हेब ना नहीं बुझा पड़गला बहुत इजी तो आमको कौन फर्मुलाटा एक्चुअली मन रखा पड़ता था कस ए प्लस बी कस ए प्लस बी फर्मुला है पे कस ए इंटू कस बी माइनस प्लस अच्छे मैंने माइनस आसो कस रईन ए इंटू सैन बी कस ए माइनस बी फर्मुला कौन है ना कस ए इंटू कस बी प्लस सैन ए इंटू सैन बी तो फिर फाइनाल आंसर मिलला कौन ना टू कस ए इंटू कस बी क्लियर राइट हैंड साइड तुम अच्छी से लिखीद तुम ये हुई इज इक्वाल टू आर एच एस मुझे लिखी जान जाणीशुणिया प्रूफ तुम लिखीद ठीक अच्छे प्रमाणित बोले लिखीद क्लीयर ओके नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट फर्मूला को जीवा चारिटा मात्र अच्छे पे ठीक अच्छे ना अच्छा देख से देखिए कस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी कस ए माइनस बी माइनस कस ए प्लस बी इज्कवल टू टू सैन ए इंटू सैन अच्छा देखा यार एक्चुअली कौन हो ठीक अच्छे चलो एल एच एस नहीं चला लेफ्ट हैंड साइड को नहींगली लेफ्ट हैंड साइड को नाला मत मिल कहते हैं बिले ना देख हुई इज इक्वाल टू कस ए माइनस बी माइनस कस ए प्लस बी लेफ्ट हैंड पार्ट को नहीं ठीक अच्छे चलो देखा कस ए माइनस बी फर्मूला को लिखा कस ए माइनस बी कौन हम ना कस ए इंटू कस बी माइनस थे प्लस हम फास्ट पार्ट फर्मूला लिखुची प्लस साइन ए इंटू साइन बी तापर कौन सिंबल अच्छे माइनस सिंबल अच्छे देदेली तापर कार फर्मूला लिखी पे ना कस ए प्लस बी फर्मूला लिखा सर लिखा ए कस ए इंटू कस बी देन माइनस प्लस थे माइनस आसो ना कस र साइन ए पिले गोटे मिस्टेक हो ब्राकेट कहीं माइनस थी ब्राकेट नदे लिखीचे ठीक अच्छे ना अच्छा साइन ए इंटू कौन कौच साइन बी बुझीगला एथर जिते माइनस थी ना ब्राकेट दे लिखा बेटर हे ना डायरेक्टली मुझे लिखिपारे ये प्लस सिंबल देते भी होता है माइनस से माइनस मल्टीप्लाई कर देगी ए माइनस ए माइनस को मल्टीप्लाई कर गुणन कर देगी मुझे डायरेक्ट प्लस सिंबल देखिए लिखिपारे ठीक अच्छे ना तो बेटर हम जब ब्राकेट जब माइनस आसा भितर तो ब्राकेट को ब्राकेट देख लिख प्लस आसे ब्राकेट देख लिख बेटर हम ठीक अच्छे मैंने भूल हमारे चानसेसटा कमी जाए ठीक अच्छे प्रोबेबिलिटी तो पढ़ थो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रॉन्ग ठीक अच्छे ना से पार्टा कमी जाए देखीद एक्सपांड कर एक्सपांड इन द सेंस ब्राकेट उठेगा
कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी माइनस माइनस एटा प्लस पार्ट अच्छे माइनस प्लस हो माइनस माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी राइट। चलो माइनस ना प्लस माइनस माइनस प्लस ए माइनस रे या को मल्टीप्लाई कले ठीक है प्लस प्लस साइन ए इंटू साइन बी करेक्ट। देखो कॉस ए इंटू कॉस बी एटी माइनस अच्छी कॉस ए इंटू कॉस बी एटी प्लस अच्छी कैंसिल हो गया तो फिर मो पाखे फाइनाली रहा कौन थे ना साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी देखो कैसे लिखी मुझे ना टू टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू मैंने दुई गुण ना साइन बी विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ द प्रमाणित क्लियर क्लियर ना कि ऑब्जेक्शन अच्छी मत लगुन ये क्वेश्चन आगे सेमती डिफिकल्ट डिफिकल्टी पार्ट डिफिकल्ट पार्ट अच्छी बोली ठीक अच्छे ना आके देखा पे आउ गोटे फर्मूला एक्चुअली अच्छी ठीक अच्छे ना ये टी चेज करदे भी होता ये फर्मूलाटा को फर्मूलाटा ही मुझे अन्य सब उद्देश्य थी आउ गोटे फर्म ये चारिटा फर्मूला या को अदर वे भी लिखी हुए तो फर्मूलाटा कौच हाँ मुझे यटा को इरेज करके लिखिदेवि अच्छा चलो यहाँ को आउ टे मॉडिफाई करदे कहीं तौक कड़े देखा नजर एवं इरेज कर ठीक अच्छे ना या लिखिदे ठीक अच्छे देखा आ गोटे फर्मूला मैंने ये चारिटा फर्मूला लिखार अर्डर चेंज करदे कौन फरक आउ गोटे फर्मूला जेनेट हो फरक ना आउ गोटे फर्मूला जेनेट हो ठीक अच्छे ना मुझे कथा कौन देखा बर्तमान मुझे ही लिखा चाहूँगी देख मु कौन कह देखिद देख से फर्मूला कौच कॉस ए प्लस बी अच्छा ये ऊपर देखीद कॉस ए प्लस बी माइनस देखिद आगे कह भल से मार्क कर ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी ठीक अच्छे यार फर्मूला कौन हम देखा ये आउ गोटे अच्छी आमर गोटे एमती गोटे आईडेटी आम पाखे अच्छी देखा यार कौन होज इक्वाल टू लिखिद कॉस ए प्लस बी को प्रथम पे एक्सपांड कले कैसे हो तुम जान ना अधिक मुझे तौक लिखुच्छी ठीक अच्छे देखा क्लीयरली भल हम ठीक अच्छे तो या जगह लिखीदे हे कॉस ए इंटू कॉस बी देन माइनस साइन ए इंटू साइन बी माइनस सिंबल देदेली माइनस सिंबल ये थी मोर बुझे अच्छा चलो ब्राकेट ओपन कहीं माइनस अच्छे ब्राकेट ओपन एटा हो कॉस ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी क्लियर अच्छा चलो ब्राकेट अभी ओपन करदे हुई चीज इक्वाल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी माइनस माइनस सेटा प्लस माइनस प्लस माइनस हो माइनस इंटू प्लस हो माइनस तो फिर ये हो मोर के पिले ना कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस रे प्लस को मल्टीप्लाई कले के ना माइनस तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी ए फर्मूलाटा एक्चुअली तुम बही दे क्या जो चार फर्मूला दे पार्टा को देनी से गोटे फर्मूला मॉडिफाइड होती टी खाली मैंने चेंज कर देचे शिफ्ट कर देचे सेकंड पार्टा को प्रथम नहीं आ प्रथम पार्टा को सेकंड को नहीं जाए आउ किसी चेंज ना ठीक अच्छे ना तो देखीद कॉस ए इंटू कॉस बी ये कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस ये पॉजिटिव पार्ट था युक्तात्मक पार्ट था ये ऋणात्मक पार्ट था कैंसिल हो गया तो रहा मो पाखे कौन ना माइनस साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी तो या फाइनाली लिखिदे हे कैसे लिखिद माइनस टू इंटू साइन ए इंटू साइन बी ठीक अच्छे ना यहाँ आउ गोटे फर्मूलाटा कहार फर्मूला पे देखिले ना हूँ कहार फर्मूला देखिले ना कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी रो आउ गोटे फर्मूला हूँ मैंने तार फर्मूला हूँ यहाँ आम बही तुम पाखे मात्र चारिटा फर्मूला अच्छे जो डी पर्यटन जैसे सल्व कले ना से फर्मूला अच्छे ए फर्मूलाटा ना बाकी यार आवश्यकता अच्छी
ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଆମ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଠି ଆସୁଥିଲା ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଫିଟ୍ ହେଉଥିଲା ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏଇଠି କହିଦେଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଆଉ ୟାର ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଲାବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ଶିଖିଲେ ୟା ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ସେ କହୁଛି ଅନୁସରଣୀ ଫର୍ ବି। ଏଠି ତ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ନା, ତୁମକୁ କିଛି କେସେସ୍ରେ ହିଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିଛି କେସେସ୍ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଠି ତୁମକୁ ହିଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଦେଲେ ତୁମେ ସଲ୍ଭ କରିଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ଟିକେ ହିଣ୍ଟ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ କହୁଛି ସାଇନ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ ଏ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍ ମାଇନସ୍ କୋସ୍ ଏ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍, ସେତିକି କଥା ମୁଁ କହିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେତିକି କଥା କହୁଛି। ଦେଖ କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ ଭାବୁଛ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବୋଲି, ଏନି ଆଇଡ଼ିଆ କିଛି ଆସିଛି? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି, ହଁ ପିଲେ ଆଗେ ୟାର ମୁଁ ଫର୍ମୁଲା ତୁମକୁ କହୁଛି, ତୁମେ ଜାଣିଛୁ ବି ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସାଇନ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ କୋସ୍ ବି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଇନସ୍ କୋସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ ବି, ସେତିକି ତ ପିଲେ ଦେଖ ଲୁକ୍ ଏଟ୍ ହିୟର୍, ସାଇନ୍ ଏ ଅଛି ଏଠି, ସାଇନ୍ ଏ ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମକୁ ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମରେ ମିସିଂ କିଏ ଅଛି ନା, କୋସ୍ ବି ମିସିଂ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମରେ ମିସିଂ କିଏ ଅଛି, କୋସ୍ ବି ମିସିଂ ଅଛି, ମାନେ ନାହିଁ କିଏ। ଏଇଟା ଯଦି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମ ହୁଏ, ଦୁଇ ଥର ଟିକ୍ ମାରିଦେଲି ଟିକେ, ହଁ ଏଇଟା ଯଦି ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟର୍ମ, ଇଏ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଟର୍ମ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ବିକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କଲି, ତା ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିଲି, ମୋତେ ମିଳିଲା କ'ଣ ମିଳିଲା କହିଲ, ସାଇନ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ କୋସ୍ ବି ମାଇନସ୍ କୋସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ ବି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟର ସାଇନ୍ ଅଛି ଏଠି ବି ଅଛି, ନାହିଁ କିଏ କୋସ୍ ବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ କୋସ୍ ଅଛି ଅଛି, ନାହିଁ କିଏ ନା ସାଇନ୍ ବି ନାହିଁ, ରାଇଟର୍ର ତ ଫେର ଏଠି କ'ଣ ଏମିତି ଲେଖିବି ଯାହା ଫଳରେ ମୋତେ ସେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ନା। ଗୋଟେ କାମ, ଏଠି ଦୁଇଟା ଦୁଇ ଶୁଣ, ଆନ୍ସର୍ ଦୁଇଟା ହୋଇପାରେ, କହ ସାର୍ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦୁଇଟା ଆନ୍ସର୍ ହୋଇପାରେ, ଦୁଇଟାର ଅର୍ଥ ଏକା, ତୁମେ ଦୁଇଟା ଲେଖିଲେ ବି ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ପାଇବ, ମୁଁ କହୁଛି ୱେଟ୍ କର। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ମୋତେ କୁହ, ଏଠି ସାଇନ୍ ଏ ଲେଖା ଥିଲା ନା, ସେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖୁଛି ମୁଁ, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ମୋତେ ଖାଲି କହିଦେଲ, ସାଇନ୍ ଏ ଲେଖା ଥିଲା ନା, ମୁଁ ଖାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା କହୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ତୁମେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଦେବ ସାଇନ୍ ଲେଖା ଥିଲା। ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠି ଲେଖିଦେବି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ବାଇ କୋସ୍ କୋସ୍ ବି, କାହିଁକି କହିଲେ ମୋର ଏଠି କୋସ୍ ବିର ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯିବ, ଇଏ ମୋତେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଦେବ ନା, ସାଇନ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ କୋସ୍ ବି ହେଇଯିବ ନା, ହେବ ନା ନାହିଁ, ସେ ତ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ କହିଛି, କାହିଁକି ଆମେ ଗୁଣନ କଲେ ବା କ'ଣ ପଶେଇଲେ ସେଟା ତ ଆମକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ପଡ଼ିବନି, ସାଇନ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ କୋସ୍ ବି ହେଇଯିବ ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇଯିବ, ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇଯିବ, ତ ଫାର୍ ଆଇଦର ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ୱାନ୍ ବାଇ କୋସ୍ ବି ହେଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା ୱାନ୍ ବାଇ କୋସ୍ ବି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି ନା, ସିକାଣ୍ଡ ବି ବା ସେକ୍ ବି ଲେଖିପାରିବି, ମେ ବି ତୁମକୁ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜିଂ କରାଇଦେଇଥିବି, କାହିଁକି କହିଲେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଆନ୍ସର୍ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମେ ବି ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ସର୍ କୁହାଯିବ ଯେ ସେକ୍ ବି ହିଁ କୁହାଯିବ, ଯିଏ ବି କହିବ ମୁଁ କହୁନି କିଏ ତୁମକୁ ଠିକ୍ କହୁଛି ବା ଭୁଲ କହୁଛି, ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯିଏ ବି ତୁମକୁ ଆନ୍ସର୍ କହିବ ସେକ୍ ବି ହିଁ କହିବ। ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ପିଲା, ତୁମେ ସେକ୍ ବି ଲେଖ ବା ୱାନ୍ ବାଇ କସ୍ ବି ଲେଖ, ବୋଥ୍ ଆର୍ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ୍, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ତେଣୁ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେକ୍ ବିକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ବେସିସ୍ରେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବ, ଭାବିବ ଯେ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଭାବିବ ଯେ ସାର୍ ୱାନ୍ ବାଇ କସ୍ ବି ହେଲେ ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର୍ କାମ ଚଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ଲେଖିବି କ'ଣ ନା, ଆଇଦର ୱାନ୍ ବାଇ କସ୍ ବି ଲେଖିବି ଓର୍ ଲେଖିବି ସେକ୍ ବି, କ୍ଲିଅର୍? ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଏବେ ଦେଖିଦିଅ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ସରିଲା। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି, ମୋର ମାଇନସ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ସହିତ ମୋର କିଛି ରିଲେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆସିବ, ଫାଇନାଲ୍ ବି ମୁଁ ଲେଖିଦେବି। ମୋ ପାଖରେ କୋସ୍ ଏ ଅଛି, କୋସ୍ ଏ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍, ମୋର ଏଠି ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ କେତେ, ସାଇନ୍ ବି, କୋସ୍ ଏ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ନାହିଁ କି ନା ସାଇନ୍ ବି, ସାଇନ୍ ବି ଉପରକୁ କେମିତି ନ୍ୟୁମରେଟର୍ ବା ଲବର୍ କେମିତି ଲେଖିବି ନା, ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ଏମିତି ଲେଖିଦେଇପାରିବି ୱାନ୍ ବାଇ ସାଇନ୍ ବି, ତ ଇଏ ଉପରକୁ ଯିବ, ହଁ ନା ନା, ତ କୋସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ ବି, ତ ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ ମୋତେ କେତେ ଦେବ, କୋସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ ବି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତୋର ମୋ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଯେଉଁଟା। ଆଚ୍ଛା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ ମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ଜାଗାରେ ମୁଁ କେତେ ଲେଖେ, ୱାନ୍ ବାଇ ସାଇନ୍ ବି, ଆଚ୍ଛା ୱାନ୍ ବାଇ ସାଇନ୍ ବି ଲେଖିବା ଯାହା, ହଁ ପିଲା ଏବେ ଗେସ୍ କରିପାରୁଥିବ, କୋସେକ୍ ବି ଲେଖିବାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ୍। ତ ଫେର୍ ଫାଇନାଲ୍ କନକ୍ଲୁଜନ୍ କହୁଛି, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବା,
एठी तुम्हें लिखो सेक बी क्लियर एठी लिखो कोसेक बी देख दियो बी पार्टा ही नथिला बी पार्टा ही नथिला और एल्स तुम्हें चाहिए फास्ट पार्ट रे लिखि परिबो 1 बाय कोस बी हां सेक बी जगह रे फास्ट पार्ट रे लिखि परिबो एड़ी लिखि दउची 1 बाय कोस बी सेकंड पार्ट रे लिखि परिबो 1 बाय साइन बी जदी तुम्हें फार्मूला हिसाब रे ताको इंटरप्रेट करियो भांगी के लिखिया पई चेष्टा करथुओ नहले डायरेक्टली मन रखि देबे बहुत पिला मु जानिछ बट कहउची मु कहिबार उद्देश्य सुनो क्वेश्चन जे सब बेले एमिति एई गोटिए क्वेश्चन तान हो मे बी से दे पारे कॉस ए माइनस बी क्वेश्चन ले थिवो कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू से लिखि देबो कॉस ए डिवाइडेड बाय डैश प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय डैश एमिति भी हो पारे तनो फार्मूला जो आम सीखीचे जो फार्मूला आम डिस्कस बारंबार करूचे बा कहूचे ताकू नहीं क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर तार सल्यूशन बाहर करवा मो मतरे सबुठ बुद्धिमान काम ठीक अच्छे ये बुझीगला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा फिल इन द ब्लैंक सवाल मार्क क्वेश्चन मे भी तुमको टाइम कंज्यूमिंग बाकी थे कहीदे तुम तापरठू आ क्वेश्चन सब निजे तैयारी कर अच्छा मुझे यही रिलेटेड किसी क्वेश्चन तुमको बनई देवी ए एक्जाक्टली यही रिलेटेड जमी कहली तुम सेम एक्सपांड कर करेक्ट ठीक अच्छे ओके देख नेक्स्ट क्वेश्चन कहला कोस थीटा प्लस आल्फा प्लस कोस थीटा कोस आल्फा माइनस थीटा यार भैल्यू के देख मु तुमको फ्यू सेकेंड्स बैक मैंने फ्यू मिनिट्स बैक ए रिलेटेड आम फर्मूला पढ़ीचे ना नहीं देख कौन ना जो क्वेश्चन ले डायरेक्ट तार अच्छी देख कॉस ए प्लस बी ए हूँ थीटा एटी बी हूँ मोर अल्फा ठीक अच्छे यहाँ तो क्वेश्चन अच्छी हाँ यहाँ क्वेश्चन अच्छी तो यार आंसर मुझे टू टाइम्स ऑफ कॉस साइन टू कॉस बी तो ये कौन लिखी कहल जदि जान न पड़ो मुझे लिखिदे आउ थे तो यहाँ यार आंसर हम टू टाइम्स ऑफ कॉस थीटा इंटु कॉस अल्फा ठीक अच्छे और एल्स एमती लिखाई थो कौन जगह कौन कौन जगह ठीक अच्छे ना कहते रही था टू टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा इंटु कॉस थीटा एमती भी लिखाई थी से एका कथा हाँ सारे एका कथा कमी अरे यहाँ तुम थीटा प्लस अल्फा लिखाई थी अल्फा प्लस थीटा लिखी हेब आठ तो अल्फा माइनस थीटा अलमोस्ट अच्छी ठीक अच्छे तो यहाँ मुझे एरेज करदेप मत पड़ो आउ कि ना अच्छा या ना तुम कौन कर आउ थे से जो फर्मूला आम जमी डिराइव करूँ ना फर्मूलार जमी डेरिवेशन लिखुले एक्जाक्टली सेमती लिख कर लिखिदे ना भी ना लिखार आवश्यकता तो ना कहीं लगुनि तथा लिखिद तो कॉस थीटा प्लस अल्फा लिखा जहा हाँ मुझे एमती लिखिदेपरि तो थाउ सेमती सी था डायरेक्टली एक्सपांड कर आउ ना लिखिदे भी हाँ बेटर हाँ कॉस अल्फा प्लस थीटा लिखिदेली ठीक अच्छे प्लस सिंबल देली प्ले कॉस थीटा अल्फा माइनस थीटा लिखिली ठीक अच्छे फास्ट पार्ट को एक्सपांड कर कौन हम ना कॉस अल्फा इंटु कॉस थीटा प्लस अच्छे मैं माइनस आसो कॉस रो माइनस साइन थीटा साइन अल्फा इंटु साइन थीटा तापर प्लस सिंबल अच्छे प्लस देदेली कॉस अल्फा माइनस थीटा लिखी कौन ना कॉस अल्फा इंटु कॉस थीटा प्लस साइन कॉस थीटा साइन अल्फा इंटु साइन थीटा ठीक अच्छे ना तो प्लस आउ माइनस साइन अल्फा इंटु साइन थीटा कैनसल होगा फाइनाल आंसर मो पाखे रही है फाइनाल रही है कौन मो पाखे ना कॉस अल्फा इंटु कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा इंटु कॉस थीटा व्हिच इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा इंटु कॉस थीटा सर कॉस थीटा इंटु कॉस अल्फा लिखे असुविधा कौन था किसी असुविधा ही ना किंतु जिते क्वेश्चन सॉल्व कर तुमको ये गोटे सिंपल हिंट्स दूसरी बहुत समय आम रिकग्नइज करूँ से आम उल्टा हो जाए फिले ये अच्छे ना अल्फा माइनस थीटा ये अच्छे थीटा प्लस अल्फा तो फिर ये पार्टा को जब एमती थी धर सपोज कौन लिखाई ए प्लस बी सेकेंड पार्ट लिखाई बी माइनस ए तो ये फास्टा को बी प्लस ए हिसाब से चेंज करदेव दीटा सेम फंक्शन हिसाब से सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन रही है खाली तरह कौन साइन कन्वेंशन चेंज हो गए कौन प्लस आसो कौन माइनस आसा ठीक अच्छे ना किंतु बी माइनस ए लिखाई तुम्हें कौन ए माइनस बी लिखिपर कि पार्टा को तो चेंज कर ना
କାହିଁକିନା ଏମାନେ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବିୟୋଗରେ କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ ହେଉନି, ତୁମେ 4, 5 କ୍ଲାସ୍, 6 କ୍ଲାସ୍, 7 କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଟିକିଏ ଭାବିବା କଥା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯଦି ଏମିତି କେଉଁଠି ପାଇଲ ଇଂଲିଶ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ, ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ହଁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଲ, cos 60 ଏ ଆହୁରି ଇଜି, ବାକି ହିଣ୍ଟ ଦରକାର ବୋଧହୁଏ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହିଣ୍ଟ ଦରକାର, ବାକି ଇଜି ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିଲ। ତ୍ରିପୁଲ ଆଇରେ କ'ଣ କହିଛି ନା, cos 60 ମାଇନସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କସ୍ ଏ, cos 60 ମାଇନସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କସ୍ ଏ। ହଉ ଦେଖିବା, cos 60 ମାଇନସ୍ ଏ, ଆଚ୍ଛା ଏଠି ମାଇନସ୍ ଏ ଅଛି ତ ଫେର ପ୍ଲସ୍ ଏ ବୋଧେ ପିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବା, ଦେଖ cos 60 ମାଇନସ୍ ଏ ନା, ମୁଁ କହୁଛି cos 60 ମାଇନସ୍ ଏ ଅଛି, ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ଦେଇଦିଅ cos 60 ପ୍ଲସ୍ ଏ ଦେଇଦେଲ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ପୁଟ୍ କରି ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା ବାରମ୍ବାର ସଲ୍ଭ କଲା ପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଲେ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ, ଦେଖାଯାଏ ଯେ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ। ଆଚ୍ଛା ୟାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିଦେବା ଆମେ, cos 60 ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ଏ, sin 60 ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ ଏ, ପ୍ଲସ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଥିଲା, ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଅଛି, ଦେଖିଦିଅ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ସିମ୍ବଲ୍ ଦେଇଦେଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଦେଖ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କହିଲି ଯେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାସ୍ଟା ଥିଲା ସେ ଡ୍ୟାସ୍ ଜାଗାରେ cos 60 ପ୍ଲସ୍ ଏ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ତ ତାର ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିଦେବା ଆମେ, cos 60 ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ ଏ ମାଇନସ୍ sin 60 ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ ଏ, ରାଇଟ୍? କଟିଗଲା, ତ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା 2 times of cos 60 ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ ଏ। ସାର୍ କେଉଁଠି ନେଇ ଆସିଲେ ଆନ୍ସର୍ ତ ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି, ଏଠି ତ କସ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅଛି, ୱେଟ୍ କର, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2 into cos 60 ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖି ଦେଇହେବ, 1/2 ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପକାଇଦେବା ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ ଏ, 2 ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସେଲ୍ଡ, ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ହେଉଛି କେତେ, କସ୍ ଏ। ହେଉଛି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ତାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ଅଛି ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟାକୁ ବି ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ପକାଇ ସଲ୍ଭ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ଫର୍ମୁଲା ପକାଇ ସଲ୍ଭ କରିବା, ଦେଖ ପିଲେ ଫର୍ମୁଲା ଯଦି ଜାଣିଯାଇଛ ନା ତାକୁ ୟୁଜ୍ କର ଡାଇରେକ୍ଟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ବହୁତ ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ବାକି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେ ଯେଉଁ ଫିଗର୍ ଏଇଠି ଦେଇଛି ସେ 30° ମାଇନସ୍ ଏ ବା 60° ପ୍ଲସ୍ ଏ ବା ମାଇନସ୍ ଏ ଆସିବ ତା କଥା ନାହିଁ, 45 ବି ହେଇଯାଇପାରେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ? ବା ଏ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଆସିଯାଇପାରେ, ଦୁଇଟା ଯାକ କମ୍ପୋଜାଇଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଦେଇପାରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ହେଉଛି 45 ଥିବ, ଗୋଟେ 30 ଥିବ, ଏମିତି ବି ହେଇଯାଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତ ଚଲ ଲେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଦେଖିବା ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଅଛି sin 30 ପ୍ଲସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ sin 30 ମାଇନସ୍ ଏ, ଦେଖିଦେବ ସାଇନ୍ ଏ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ହେଉଛି ବି, ଯେମିତି କହୁଥିବ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଯାହା ନେଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଲେଖିଦେଇ ହେବ sin 30 ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ cos 30 ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ ଏ, ଠିକ୍ ଅଛି? ପ୍ଲସ୍ ସିମ୍ବଲ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ସିମ୍ବଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ନା, ବୁଝେଉନି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇରେଜ୍ କରିଦିଅ, ଦେଲେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସେ ଦେଖାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସଲ୍ଭ କରୁଛେ, ଆଇଭିକୁ ସଲ୍ଭ କରୁଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ଓକେ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲା କ'ଣ ନା, sin 30 ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ ଏ ମାଇନସ୍ cos 30 ଇଣ୍ଟୁ ସାଇନ୍ ଏ, କ୍ଲିଅର? ଦେଖ cos 30 ସାଇନ୍ ଏ ପଜିଟିଭ, cos 30 ସାଇନ୍ ଏ ନେଗେଟିଭ, କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଫାଇନାଲ୍ ରହିଲା ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ନା sin 30 ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ ଏ, sin 30 ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ sin 30 ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ ଏ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ୟାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା ନା, 2 times of sin 30 ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ ଏ। ପିଲା ଏଇ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଟି ଏଠିକି ଆଗରୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରୁଥିଲେ ନା, ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟାକୁ ଆମେ ଡିରାଇଭ୍ କରୁଥିଲେ ନା, ଯେ ଯଦି ସାଇନ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ସାଇନ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ଅଛି, ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା, 2 times of sin A ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ ବି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତ ଏଠି ଏ ଜାଗାରେ ବି ଥିଲା ନା, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲା ଦେଖ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ଏଇଟା ଲେଖିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିଶୁଣି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ଆଉ ଥରେ କରୁଛି, ସଦାଟିକି ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ୍ ହେଇଗଲା ଆମର, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ମୁଁ ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ହିଁ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ତ ଫେରେ ଦେଖ
टू टाइम्स हो दुई को दुई रहिला पले एज इट इज साइन थर्टी भैल्यू हूँ वन बै टू इन टू कस ए को कस ए लिखि दि टू टू कैनसल हो गला फाइनाल आंसर आम कहला ना कस ए तो ए ब्लांक्स केिखि हे ना कस ए ठीक अच्छे ये केखा जाइंटा कस के मन पकल कस सिक्सटी प्लस ए कस सिक्सटी प्लस ए रईट आउ ये के आंसर देता ना टू टाइम्स अफ कस आलफा इंटु कस थीटा एक बेले लिखिदे ठीक अच्छे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया टू टाइम्स अफ सैन ए इंटु सैन बी इज इक्वाल टू डैश माइनस कस ए कस ए प्लस बी हौ या ना यहाँ कार फर्मूला जान टू सैन ए इंटु सैन बी जान मान ना भूलीगल जब भूल जाइए देखीद देखेद टू सैन ए इंटु सैन बी कौटे आ खोजिल टू सैन ए इंटु सैन बी कौटे आसनी कौटे आसनी देखा ओह इरेज हो जाए गोटे जगार आसला पार्टी आसला ठीक अच्छे आसला बोधे देखा मुझे लिखिदे टू सैन ए इंटु सैन बी सरी देख सी देते मुझे नेक्स्ट पेज लिखिदे पे क्वेश्चन टाक आउ थे ठीक अच्छे ना क्वेश्चन टाक आउ थे लिखिदे तो कौच टू टाइम्स अफ सैन ए इंटु सैन बी इज इक्वाल टू डैश माइनस अच्छे ना प्लस अच्छे देखीदेल माइनस अच्छे आई थिंक माइनस कस ए प्लस बी माइनस कस ए प्लस बी ए मोर क्वेश्चन अच्छे यहाँ हूँ मोर ब्लांक पार्टा ठीक अच्छे ना यहाँ हूँ मोर ब्लांक पार्टा मैंने ये मुझे किसी गोटे लिखी अच्छा देखा मुझे लिखी देख से फर्मूला से मुझे तुमको देखे आसती बर्तमान कौन कह ना आर एच एस जब नौ मैंने राइट हैंड पार्ट आर एच एस नहीं सल्व करनी राइट हैंड पार्ट नौ जब ये लिखिदेली कस ए माइनस बी तो कौन हो फरक देखीदे सपोज मुझे कस ए माइनस बी लिखिदेली ठीक अच्छे ना तो देख हुई इज इक्वाल टू कस ए माइनस बी जगह लिखिदेव कस ए इंटु कस बी प्लस सैन ए इंटु सैन बी माइनस अच्छी जिते या एक्सपांड करी डेफिनेटली ब्राकेट देवी ठीक अच्छे ना तो या लिखिदे हे पे कस ए इंटु कस बी प्लस अच्छी तो माइनस आसब सैन ए इंटु सैन बी रईट तो फिर या जगह लिखिदे हे एम ना कस ए इंटु कस बी प्लस सैन ए इंटु सैन बी माइनस कस ए इंटु कस बी प्लस प्लस कहीं सैन ए इंटु सैन बी क्लीयर देख कटिगला भल से चेक कर कस ए माइनस कस ए इंटु कस बी अच्छी ये नेगेटिव अच्छी ये पॉजिटिव अच्छी सही मुझे कैनसल करदेली तो यहाँ लिखिदे टू टाइम्स अफ सैन ए इंटु सैन बी बुझीगला तेनाली डायरेक्ट जब फर्मुला मन था ये लिखिदे हाँ ना नहीं ठीक अच्छे अच्छा चलो नेक्स्ट जी नेक्स्ट आ गोटे क्वेश्चन थी अच्छी टी ऊपर देखीदे अच्छा यार भैल्यू के पचार ठीक अच्छे टेन फोर्टी फाइव डिग्री प्लस थीटा इंटू लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ठीक अच्छे बोले लास्ट क्वेश्चन है टेन फोर्टी फाइव डिग्री प्लस थीटा इंटू टेन फोर्टी फाइव डिग्री माइनस थीटा देखा यार भैल्यू के देखा टेन ए प्लस बी फर्मुला तो मनको जहाँ अच्छी से फर्मुला को आम ये यूज करदे ठीक अच्छे ये धरीज देखीद देखीद से कहे टेन कैसे कह पे फोर्टी फाइव डिग्री प्लस थीटा आई थिंक तापर माइनस अच्छी ना प्लस अच्छी टी देखिए ओह इंटू अच्छे आहरी बढ़िया आहरी इजी है इंटू टैन फोर्टी फाइव माइनस थीटा ठीक अच्छे अच्छा बर्तमान इज इक्वाल टू सिंबल दे दिया जगह फर्मूला लिख कौन हम टैन ए प्लस बी फर्मूला मैंने पकेल ना टैन फोर्टी फाइव प्लस टैन थीटा फोर्टी फाइव हूँ ए थीटा हूँ मोर बी जमी तुम मन रखी डिवाइडेड बै वन माइनस टैन फोर्टी फाइव इंटु टैन थीटा इंटु गुण इंटु थी इंटु टैन फोर्टी फाइव माइनस टैन थीटा डिवाइडेड बै वन प्लस टैन थीटा इन टैन फोर्टी फाइव इंटु टैन थीटा हुई इज इक्वाल टू अच्छा टेन फोर्टी फाइव रैल्यू के ना वन प्लस टैन थीटा को टैन थीटा एज इट इज रखिदि डिवाइडेड बाय वन माइनस
अच्छा पहले टेन फोर्टी फाइव जगह कैसे लिखी पार्टी वन वन इंटू टेन थीटा कैसे है ना टेन थीटा है सर तो यहाँ को लिखीदे पे टेन थीटा बुझीगला टेन फोर्टी फाइव रैल्यू है वन वन इंटू टेन थीटा हूँ टेन थीटा तो फाइनाल आंसर है कौन वन माइनस टेन थीटा लिखीजी ठीक अच्छे नेक्स्ट इंटू ये टेन फोर्टी फाइव जगह कैसे लिखी वन माइनस ना प्लस माइनस माइनस टेन थीटा तो भैल्यू मत जाना नहीं तेनाली टेन थीटा को एज इट इज रखीदेली डिवाइड बाय वन प्लस टेन थीटा जगह कैसे लिखी हेब वन वन इंटू टेन थीटा कैसे ना टेन थीटा चेक कर दियो ये ब्राकेट दे दियो आहरी भल से तुमको देखा कौन एक्चुअली हे फास्ट पार्ट यार लब मैंने न्यूमेरेटर यार डिनोमिनेटर यार लब यार हर कटेगा वन प्लस टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा कटिगला फाइनाल आंसर कैसे है वन तो फेर पे इटि मुते लिखी ना वन ठीक अच्छे ना बुझीगला आरटे कौन लिखा था मोर कॉस ए माइनस बी राइट ये लिखिदे मु ठीक अच्छे ये लिखिदे कॉस ए माइनस बी ठीक अच्छे ठीक अच्छे चलो हैला तो फाइनाली आमको क्वेश्चन नंबर वन रो समस्त आंसर मिलगला आता आम सल्व कर देखीदे केमी एक्चुअली से गुड़ाक हो ठीक अच्छे ओके नेक्स्ट जी हाँ ओके से कह जो क्वेश्चन गुड़ाक ना ये जो टूल्स वगैरह आसला युवक ये डायरेक्टली मन रही जाता था ठीक है डायरेक्टली जो आम सेकेंड चार्ट फर्मुला पाँचटा कर लिखिली से फर्मुला बेसीस सल्व हो ठीक अच्छे ओके नेक्स्ट जी नेक्स्ट हूँ पिले ओके ओके पिले देख आज तो टाइम हो गला ठीक अच्छे ना नेक्स्ट क्लास आम यार जो आज रिमेनिंग क्वेश्चन रहीगला से विषय आलोचना करा सब क्वेश्चन को सल्व करा दरकार ना कि तुमको हिंट देखिए देखेदेले भी हो ठीक अच्छे देखा आ जोटा जो तुम प्रॉब्लम हो तुम कमेंट सेक्शन में जाए कमेंट्स दे पार ठीक अच्छे ओके पिला फाइनाली तुमको कही रखुच्छे ये ट्यूशन हूँ एवं गोटे आप्लिकेसन हिसाब से ना गूगल प्ले स्टोर उपलब्ध ठीक अच्छे तो तुम मोर रिक्वेस्ट तुमको कौन ना से आप्लिकेसन को इनस्टल करनी ठीक अच्छे केवल